अच्छे होंगे। एक नया दिन नया ब्लॉग, तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा अभी पार्सल आया है मीशो से, मैं मच्छरदानी एक ऑर्डर की थी तो वो आज आ गया है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कैसा आया है। गाइस शाम को बहुत ही ज़्यादा मच्छर काटता था। वैसे तो हम लोग के घर में मच्छरदानी है लेकिन डबल बेड का नहीं है, सिंगल बेड का है, इसलिए मैं सोची कि मंगा लेती हूँ एक ऑर्डर करके। चलिए गाइस अब खोल कर देखते हैं कैसा आया है मच्छरदानी। गाइस ये तो ऐसा फॉल्ट था, अचानक से खुल गया पूरा का पूरा। चलिए अब इसको बेड में लगा कर देखते हैं, काफ़ी अच्छा आया है और अच्छा क्वालिटी भी है। गाइस मेरे को आज बहुत ही ज़्यादा कपड़ा धोना है और अभी घर में काम चल रहा था तो बिस्तर में भी धूल बैठ गया है, तो बिस्तर को भी आज धोऊंगी। फिर उसके बाद मैं नहा धोवा के स्कूल जाऊँगी। आया है मच्छरदानी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मच्छर भी हो गया था, तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा मेरे को काटता था, अब नहीं काटेगा। तो चलिए मैं सब मैं घर का काम कर लेती हूँ। गाइस ये देखिए कितना सारा कपड़ा है धोने के लिए और बिस्तर भी बहुत ही ज़्यादा धोना है, आज तो हालत ख़राब हो जाएगा धोते धोते। गाइस ये देखिए कितना सारा बिस्तर है धोने के लिए और कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा धोने के लिए, आज तो धोते धोते हालत ख़राब हो जाएगा। और अभी घर में काम चल रहा था तो उसकी वजह से पूरा कपड़ा में और बिस्तर में पूरा धूल बैठ गया है, तो पूरा गंदा हो गया है, तो अब जा रहे हैं हम लोग धोने के लिए। इससे पहले मैं फेस पैक बनाई हूँ, इसको लगा लेती हूँ फेस में। गाइस अभी मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, इसलिए मैं आज फेस पैक बनाई हूँ चेहरे में लगाने के लिए। गाइस मैं इसमें मिक्स की हूँ एलोवेरा, चावल का पाउडर और हल्दी और ग्रीसलिंग। इसको लगाने से चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और एकदम क्लीन दिखता है। तो चलिए अब कपड़ा धोने के लिए तालाब के पास ले चलते हैं सभी कपड़ों को। और गाइस आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ, आज घर में बहुत सारा काम भी है और मेरे को आज स्कूल भी जाना है। अम्मी की मदद कर देती हूँ कपड़ा धोने में, नहीं तो मेरी अम्मी थक जाएगी। सरफ में अम्मी बोते जाएगी सभी बिस्तर को, फिर मैं सुखाते जाऊंगी, एक साइड मेरी अम्मी धोते जाएगी। तो फाइनली सारा कपड़ा बिस्तर धुला चुका है और मैं नहा भी ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए, तैयार होंगी फिर उसके बाद स्कूल के लिए निकलूंगी। और मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ, बिस्तर धोते धोते बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मामा भी मेरा वेट कर रहे हैं। गाइस मैं नाश्ता तो कर चुकी हूँ, मेरे पास पेन ख़त्म हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ नानी की दुकान में पेन लेने के लिए। गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, आज लगता है स्कूल जाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा मेरे को। स्कूल ले जाने के लिए टिफ़िन पैक भी नहीं की हूँ, पेन ले लेती हूँ फिर पैक करके स्कूल निकलूँगी। बैग को एक बार चेक कर लेती हूँ कॉपी बुक्स है या नहीं, उस दिन लिख रही थी तो निकाली थी तो ये मेरे को याद नहीं है कि रखी हूँ या नहीं। गाइस आप सभी को मेरे को एक खुशखबरी बताना है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊँगी। गाइस मैं एक लाइन लिखी हूँ, रात है, मैं छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मंजिल एक प्यास है और वो प्यास बस मेहनत से मिटता है। सो गाइस मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ स्कूल, मेरे अब्बू भी चले गए हैं ड्यूटी पे और मैं मामा के साथ जाऊँगी। तो चलिए गाइस स्कूल से आने के बाद आप सभी से मिलती हूँ। गाइस मैं स्कूल से घर आ चुकी हूँ, मैं खाना भी खा ली हूँ और मैं जा रही हूँ अब खाना सब्जी बनाने के लिए। सबसे पहले चावल चुन लेती हूँ और उस दिन मैं जो पत्ता गोभी लेके आई थी वो बचा है, उसका मैं आज सब्जी बनाऊँगी। गाइस इधर रोशनी मेरी हेल्प कर रही है आज खाना बनाने में, वो मैं चावल चुन रही थी ना तो मैं रोशनी को बोली कि सब्जी को चलाते रहना। गाइस ठंड के दिनों में सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाता है शायद, गर्मियों के दिन में तो कुछ सब्जी भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। इंडक्शन को मैं लो फ्लेम में कर दी हूँ, तब तक से मैं घर को झाड़ू लगा लेती हूँ। और इधर मेरी बड़ी मामी आई है, बोल रही थी कि आपका दावत मेरे घर में आज रहेगा, तो मैं मामी से पूछ रही थी कि मामी आज कुछ स्पेशल डे है क्या, तो मामी बोली कि नहीं कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही आपका दावत रहेगा। गाइस सारा बिस्तर सूख गया है, अब मैं इसमें बेडशीट बिछा लेती हूँ, अच्छा लगेगा।
गाइस आज मेरी अम्मी सील में मसाला पीस रही है। मिक्सर को कुछ हो गया था, नहीं चल रहा था, तो मेरी अम्मी बोली कि सील मैं ही पीस लेती हूँ। और मेरे अब्बू भी इधर आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं अब्बू के पास। मैं अब्बू से समोसा मंगवाई थी, मेरे को आज समोसा खाने का मन कर रहा था, तो मेरे अब्बू लेके आए हैं। गर्मा गर्म समोसा है, अभी खाने में मजा आएगा। चलिए सारे समोसों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। गाइस बाहर में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उसको मेरी अम्मी बोली कि ले आ, फिर उसके बाद हम लोग दोनों साथ में खाएंगे समोसा। चलिए जल्दी से लेकर आ जाते हैं, रात भी होने वाला है और रात में कपड़ा बाहर नहीं छोड़ा जाता है। आज मेरी अम्मी भी कपड़ा धो धो के बहुत ही ज़्यादा थक गई है, और कपड़ा सुखवाते सुखवाते मेरे हाथों में भी दर्द हो गया था। समोसा ठंडा होने से पहले हम लोग खा लेते हैं, नहीं तो समोसा ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। गाइस पत्ता गोभी भुंजा गया होगा, अब चलिए मसाला को डाल देते हैं। अम्मी पीस के रख दी है यहाँ पर मसाला को। मेरा दावत तो मामी के घर में है, खाना सब्जी बना लेती हूँ फिर मामी के घर जाऊँगी। आज मेरा बड़ी मामी के घर दावत है, हानी और रोशनी मेरे को बुलाने के लिए आए हैं, तो चलिए अब चलते हैं। गाइस मैं मामी के घर पहुंच चुकी हूँ, अब चलिए देखते हैं अलीजा लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए सभी बच्चे इधर खेल रहे हैं। गाइस हनी और अलीजा बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं एक दूसरे से। हनी बहुत ज़्यादा शरारत करता है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है, अपनी बहन को दिन भर रुलाते रहता है। लेकिन जो भी बोलो, बचपन का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, कोई टेंशन नहीं रहता है, दिमाग में बिंदास रहते हैं। I love you. ये डिनर तैयार हो चुका है, अब खा लेते हैं। गाइस मैं मामी घर से खाना खा के आ चुकी हूँ, और अभी ट्रांसफार्मर का उड़ने का आवाज़ आया और लाइट भी चला गया है, और अभी मैं इमरजेंसी लाइट में वीडियो बना रही हूँ। नहीं पता गाइस अब लाइट कब आएगा, इस बार लगता है फिर से लाइट के लिए झेलना पड़ेगा हम लोग को। सबसे ज़्यादा तो हम लोग को पानी का दिक्कत हो जाता है। कॉल तो किए थे मिस्त्री लोग का, नहीं पता कब आएंगे मिस्त्री लोग। मिस्त्री लोग आएंगे तभी पता चलेगा कि बनेगा या नहीं। गाइस अभी ट्रांसफार्मर बजने का बहुत तेज़ आवाज़ आया, 2 महीना हुआ नहीं है और फिर से ट्रांसफार्मर उड़ गया। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।